नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम आई जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी दौड़ में शिरकत करने के बाद सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। डायलिसिस सेंटर, हार्ट सेंटर सहित ओपीडी का दौरा कर उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने मरीजों और उनके तीर मारदारों से विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हासिल की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करीबन 20 मिनट तक अस्पताल में रुके। इस दौरान उन्होंने साथ में जिला उपायुक्त अमित खत्री, सिविल सर्जन डॉक्टर JS पूनिया भी मौजूद थे। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देश की एकता को आगे बढ़ाने की शपथ दिलाई। आज उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उन्होंने इस मौके पर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके साथ साथ स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। आप देख रहे हैं गुरुग्राम से पल पल की विशेष रिपोर्ट। देश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, इस देश को अलग अलग रियासतों से एक देश बनाने के लिए कदम उठाया। आज के दिन मिलकर उन तमाम लोगों को नमन कर लिया आज देश और एक निवेदन शुरुआत है। अपने समय पहली बार आने का मौका मिला है। मैं इसी हिसाब से मैं निवेदन करूँगा एक भारत बनाने के लिए देश की तमाम रियासतों को एक करने का जो उनका प्रयास था आज उसका नतीजा है। बेहतर साल के अंदर हम इतने मजबूत, इतने यूनाइटेड और एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो इतना बोलूँगा कि इस जयंती के अवसर पर हम सब ने दिखाई। हमें गर्व है कि देश की एकता के लिए आज हम सब सुबह दौड़ेंगे। मेरे तमाम युवा साथी और अलग अलग स्कूलों से लड़ाई करते समय मुझे निवेदन करूँगा कि आज सुबह एक नए संदेश को लेकर आगे बढ़े। हम जब इस दौड़ में भाग ले रहे तो इस देश की एकता मिटा के जरूर हम संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम करें। मैं तो जरूर एक चीज बताऊँ कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो इस साल के अंदर एकता का संदेश देता है, शांति का संदेश देता है। चाहे वो महात्मा गांधी जी, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, चाहे स्वामी स्वामी देवीलाल जी, और उसी प्रण को लेकर हम सब आगे बढ़ना। खासतौर पर युवा साथियों को कहूँगा, इस देश का भविष्य और इस देश की एकता को अखंडता के लिए आपने अपना पूरा जीवन आगे समर्पित करने का काम करना है। आज जब हम यहाँ से घर जाए तो इस प्रण के साथ जाए कि आने वाले भविष्य में हमारा एक एक कदम इस देश की यूनिटी हमेशा सक्षम रहे। आज शपथ जरूर लेने का काम करे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बनाए गए रहने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं शपथ अपने देश की एकता और भावना के लिए ले रहा हूँ, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता
तो ये कार्य द्वारा सदभाव बनाया जा सके। मैं अपने देश को आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। धन्यवाद।